Hello friends, my name is Aryaman and in this video I'm going to show backward on inline skates. So let's start now. So friends, my skates are not here, you can इस वीडियो में आपको बताऊं कैसे बैकवर्ड करते हैं। सो फर्स्ट मैं आपको बैकवर्ड का कुछ समय टाइप देता हूं। तो बैकवर्ड में आप जैसे फॉरवर्ड करते हैं, मतलब फॉरवर्ड आप समझ सकते हैं ना, फॉरवर्ड जैसे आप करते हैं, जैसे फॉरवर्ड में आप रन कर सकते हैं लेकिन बैकवर्ड में आप रन नहीं कर सकते, बिकॉज बैकवर्ड में आप जब करेंगे तो बैक में चोट लगती है, बैकवर्ड में कुछ डैमेज होता है, बैकवर्ड में चोट भी लगती है। सो बैकवर्ड में आपको दिखाऊंगा कैसे बैकवर्ड करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ बेंड नहीं करना है, इसमें हल्का सा बेंड करना है और आपको वी शेप में खड़ा होना है, देन बैक में खड़ा होना है वी शेप, एंड देन जब का राइट लेग है वो पीछे आएगा, आपको अंदर से बैक जो आपका लेग है उसे पीछे लेना है, फिर बाद में जो लेफ्ट है उसे पीछे लेना है। ये ऐसे ऐसे नहीं करना है, अजीब लगेगा थोड़ा, ये ऐसे ऐसे करोगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, ये प्रॉब्लम होगी। आपको वी शेप रखनी है, फिर बाद में वी शेप करनी है दोनों बोथ लेग्स हैं आगे, फिर बाद में बोथ लेग्स से आगे, फिर बाद में ऐसे करना है। ऐसे करना है आपको, और देखिए थोड़ा स्पीड में करते हैं, टर्न आपको ऐसे लेना है, और अगर आपको ब्रेक मारनी है तो ब्रेक के लिए आपको एकदम से ऐसे करना है, ऐसे थोड़ा स्टैंड अप जाएगी तो आपको ये तरीका बताता हूँ। देखिए, जब आप बैक लेंगे, बैक ले जाना है बैकवर्ड, तो ब्रेक मारने के लिए बैकवर्ड लेना है। सो ब्रेक मारने के लिए आपको नंबर वन दिखाता हूँ, थोड़ा ले जा रहे हैं यहाँ से, ब्रेक मारने के लिए आपको जो आपका राइट है उसको हल्का सा ऊपर करना है और ऐसे करना है, और जब आपकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी तब। सो मैं आपको बैकवर्ड कुछ फायदे क्या है, सो मैं आपको दिखाता हूँ बैकवर्ड कुछ फायदे क्या हैं। देखिए, बैकवर्ड में ज़्यादातर फायदे ऐसे हैं, देखिए बैकवर्ड में ज़्यादातर ऐसा है कि जब आप बैक लेते हैं थोड़ा अच्छा लगता है आपको स्केटिंग करते हुए, जैसे आप फॉरवर्ड जा रहे हैं तो एकदम से आप ऐसे करके बैक लेंगे तो आपको अंदर से अच्छी फीलिंग आएगी। सो और बैकवर्ड ज़्यादा कुछ फायदा नहीं, लेकिन बैकवर्ड करते हुए आप थकोगे नहीं, जैसे थक गए फॉरवर्ड कर देंगे तो बैकवर्ड करते हुए आप ज़्यादा थकोगे नहीं, जैसे आप फॉरवर्ड करते रन कर रहे हो कहीं भी, कोई खुला ग्राउंड है तो आप रन कर रहे हो, और अगर आप थक गए हो तो एकदम से आप ऐसे कर लीजिए, बैक करते रहिए। आप एक जगह मोड़ घूम भी सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं आप बैकवर्ड में जंप भी होती है, बहुत कुछ होता है बैकवर्ड में स्लाइड भी होती है, वो आपको मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा उन चीज़ों की। सो और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, आप सबसे टिप्स तो मैंने ये सब चीज़ें मैं आपको बता रखी है पहले से, लेकिन मैं इतनी तरह से ये सोच रहा हूँ कि जितने व्यूज़ आते हैं उस वीडियो के मेरी सब्सक्राइबर क्यों नहीं आते, अगर मैं टोटलिंग करूँ व्यूज़ के तो 500 या 600 व्यूज़ आ गए होंगे, सब्सक्राइबर नहीं है, ऐसा क्यों कर रहे हो सर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और इस बार जो अगली वीडियो होगी इसमें मैं बैकवर्ड के ऊपर जंप या स्लाइड ऐसे कुछ बताऊंगा, तो वेट कीजिए सर। और छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई है तो मेरी तरफ से हर किसी को हैप्पी सम हॉलीडेज, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।